हाय गाइस, वेलकम टू फरीद फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे मैनेज करते हैं जब हम बड़ी को घर पे अकेला छोड़ के जाते हैं। हम पहले भी बड़ी को घर पे अकेला छोड़ के गए हैं, बट लेट मी शो यू हाउ वी मैनेज दैट इन दिस वीडियो। अगर आपके पास डॉग या पपी है और अगर आप यू नो आप सिंगल हैं या फिर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, कपल है, तो इसका मतलब ये नहीं आप घर से बाहर ना निकलें। आप निकल सकते हैं अगर आप उसको राइटली यू नो करेक्टली मैनेज करें। तो आपको चार चीज़ों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका डॉग एंड पपी यू नो वो खाना खा चुका हो। तो बॉडी ऑलरेडी खाना खाए हुए, बॉडी को 1.5 घंटा हो चुका है, उसकी नेक्स्ट मील अगले 4 घंटे तक तो नहीं है, तो यू नो उसका पेट भरा हुआ है। सेकंड थिंग, उसका पानी का बोल ऑलवेज रेडी हो, तो बॉडी का पानी का बोल उसके पास ही है जहाँ पर उसका होता है, एंड दैट्स रेडी। थर्ड थिंग, आप घर जाने से पहले, थर्ड एंड फोर्थ एक्चुअली, बिफोर लीविंग योर हाउस, उसको सुसेन पॉटी ट्राई करवाएं। बडी ने अभी लाइक 5 मिनट पहले ही सुसेन पॉटी दोनों कर लिया है, तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। और एक पांचवी चीज़, वो एक ऑप्शनल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या हो सकती है। वो हो सकता है एक पेट कैमरा लाइक दिस वन। आप देख सकते हैं ये एक कैमरा है जो कि हमने किचन में सेट किया हुआ है, क्योंकि बडी मोस्टली किचन में ही रहता है और इसका एंगल एक्चुअली ऐसा है कि वो हमारा पूरा घर यू नो पूरी लेंथ में कवर कर सकता है। ये कैमरा ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि यू नो इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है जब हम बाहर होते हैं। हम इस कैमरे के थ्रू बडी पे नज़र रखते हैं कि बडी घर पे क्या कर रहा है। इसके अंदर एक माइक्रोफोन है, स्पीकर है, ताकि हम बडी से बात कर सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप यू नो देखना चाहते हैं कि आपका डॉग या पपी घर पे क्या कर रहा है अकेला, क्या वो परेशान हो रहा है, क्या वो भौंक रहा है, यू नो क्या वो सो रहा है, या फिर आपकी कोई चीज़ यू नो फर्नीचर वगैरह ख़राब कर रहा है। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये चेकआउट करना है तो इसका लिंक, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चेक इट आउट। तो आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो। आप करेंटली देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 8:56, तो यू नो इट्स अबाउट 9:00 इन द मॉर्निंग। हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं, एंड लेट्स सी बडी कैसा रिएक्ट करता है। ओके, अब हम बडी को पता लग गया है कि हम जा रहे हैं। बडी नो, बडी गुड बॉय, बडी हम आप भी जल्दी आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे तुम नींद नहीं करना, ओके, सो जाना तुम। तो हम बडी को अंदर छोड़ के आ गए हैं। हम घर के बाहर हैं इस समय, कार के अंदर, और बडी घर के अंदर अकेला बैठा है। बट हम कैमरे के थ्रू हम देख सकते हैं कि बडी पंखे के आगे लेटा है, एंड आई थिंक इज़ रेडी टू स्लीप नाउ। तो थोड़ा सा बार्क किया उसने, आई थिंक 2 मिनट उसने बार्क किया। हमें हल्का सा बुरा लगा, बट क्या करें, थोड़ी सी अर्जेंसी है, हमें घर से बाहर जाना है। एंड अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू नो वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी नहीं बनेगा। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉग को थोड़ा सा बाहर भी छोड़ के जाएं। तो आई थिंक इट्स एक्चुअली ओके टू लीव हिम अलोन फॉर फ्यू आवर्स। अभी हम बडी की ही शॉपिंग करने आए हुए हैं, और लेट्स सी बडी क्या कर रहा है। सो रहे हैं बडी, अगर आप देख सकते हो कैमरा के अंदर, वो टेबल के नीचे उल्टा लेटा हुआ है, तो एटलीस्ट यू नो आई नो कि वो सो रहा है। और अभी हम बडी के लिए थोड़ा सा सप्लाइज देख रहे थे। अब हम लोग घर आ गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर बडी वहाँ पर है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली हमने सब घुमा के देख लिया है कैमरा को, टॉयज़ हैं बट बडी नहीं है, तो आई एम श्योर बडी कहीं इधर उधर है घर में। तो लेट्स कॉल बडी, हम यू नो हम उसको बुलाएंगे अब कैमरा से। बडू, बडी कम, कम हियर बडू, कम हियर। और हमारी आवाज़ सुन के बडी आ गया है। उसको नहीं, हम तो नहीं देख रहे हैं, पर उसको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो भौंकना शुरू कर दिया उसने, हमें ढूंढ रहा है। तो लेट्स गो होम, अब हम अंदर जाएंगे और बडी से मिलेंगे। बडी, 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 बडी गुड बॉय, बडी की बडी गुड बॉय, बडी गुड बॉय। ओले 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 ओले। अच्छा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, अंदर अंदर चलो अंदर। गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय। बडी, डिड यू मिस मी? अरे किसी, हाँ किसी का दुख ओले किसी पहले ही कर दिया, बडी ने बोलने से पहले ही किसी कर दिया। बडी, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बात दोबारा नहीं जाएंगे। बडी, हम तेरे लिए फूड लाए हैं, पागल।
हम फूड लाए तेरे लिए भाई, और ट्रीट्स भी लाए। ओके गुड बॉय, हम ट्रीट्स भी लाए बड़ी तेरे लिए। गुड्डू गुड बॉय। अरे कहाँ है बदी? बदी मेरे हमारे शूज के पीछे पड़ा हुआ है बदी। गुड बॉय, अब हम बदी को ट्रीट देंगे। बदी ट्रीट, लेट्स गो ट्रीट, क्योंकि बदी ने बहुत पेशेंटली घर पे वेट किया ना हमारा, है ना बदी? बदी लेट्स गो ट्रीट। बड़ी ट्रीट कहाँ पे खाते हैं? बड़ी को पता है कि हम उसके बेड पे खाते हैं, तो बड़ी अपना बेड पे जाके बैठ गया। बड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा है, कह रहा जल्दी करो। आवाज तो निकली नहीं पहली बार में। गुड बॉय। ऑलराइट, हम लोग अपनी शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स लाइक 10:50 राइट नाउ। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हमें बाहर लग गए हैं, पर हम काफ़ी कुछ शॉपिंग करके लाए, बड़ी के लिए भी सामान लेके आए हैं, और बड़ी मीनवाइल सोता रहा, हमने कैमरे से उसके ऊपर नज़र रखी। अगर आप अपने डॉग या पपी को फर्स्ट टाइम घर पे छोड़ के जाते हैं अकेला, तो ज़्यादा लंबा ना छोड़ के जाएं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। हम बड़ी को अब तक लाइक 4-5 बार या 6 बार एक्चुअली छोड़ के जा चुके हैं, तो ही इज़ नाउ यूज टू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सारी क्यूट वीडियोस बड़ी के इस चैनल पे आने वाली हैं। ऑलराइट गाइस, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आप बड़ी के क्यूट फोटोज़ एंड वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं, तो उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट गाइस, बाय फ्रॉम मी, बाय फ्रॉम बड़ी।